मध्यप्राच्यरे अंकुरोद्गम हेउछि आउ एक युद्ध सेई युद्ध हेब शताब्दीर सबुठु बड़ युद्ध सेई युद्ध हेब सबुठु विनाशकारी सेई युद्ध हेब मध्यप्राच्य बर्बादीर मुखसाक्षी विशेषज्ञ एभली आशंका प्रकट परे एबे महायुद्ध को नहीं जोरदार चर्चा सीरिया रे थिबा दूतावास उपर आक्रमण हेबा परे प्रतिशोध परायण होई उठिछि ईरान सेथिपाई एबे इस्राएल उपर आक्रमण करिबा पई चूड़ांत प्रस्तुति करुछि तेणे इस्राएल यार जवाब देवा नहीं छाती पिटुची किंतु ईरान जदि परमाणु अस्त्र प्रयोग करे तेबे यार जवाब केमिति देबो इस्राएल। नमस्कार मु बंदिता चलंतु आरंभ करिबा एने आज स्पेशल रिपोर्ट। मध्यप्राच्यरे विध्वंसर एमिति चक्रव्यूह प्रस्तुत होईछि जेउथिरे ईरान और इस्राएल परस्पर भितरे टकरा टकरी हेबे अवस्था एते गंभीर होई पड़िछि जे जदि आरब देशगुड़िक स्थिति न संभालिबे तेबे आरब रे परमाणु विस्फोरण को केही रोकि पारिबे नाही। एठारे प्रश्न उठुछि जे प्रथम आक्रमण किए करिबो ईरान ना इस्राएल। उभय पक्षरु संपूर्ण तयारी करा जाइछि डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड रे अछि। अमेरिका भी स्पष्ट करि सारिछि जे जदि ईरान आक्रमण करे तेबे वाशिंगटन इस्राएल सपक्षरे रहिबो। सेपटे ईरान को समर्थन करिबा नै रूसिया एवं चीन पूर्वरु घोषणा करि सारिछंती अर्थात मध्यप्राच्य तृतीय विश्वयुद्धर द्वार देशरे पहुंची जाइछि जेउठि दुनियार शक्तिशाली देश जे कोनोसी मुहूर्त रे निजो निजो भितरे लढै करि पारंती। परमाणु महासंग्राम इस्राएल वर्सेस ईरान आरोप रे अमेरिका फोर्स अलर्ट तेल अभिप्रे जरूरी बैठक सतरे कौन ईरान पकाइब परमाणु बोमा एमिति एक संकट रे पड़ी जे तत्क्षणात यार किसी समाधान करा न गले किछि घंटा भितरे सबु किछि छाखा हो जिवो आउ सेई विध्वंस सेई विनाश और सेई भयंकर रूपर ना हेउछि परमाणु युद्ध जेउथिरे मुख्य भूमिका रे अछन्ति दुईटी देश ईरान और इस्राएल। दुई देश मध्ये अशांति एते बढ़ी जाइछि जे उभय परस्परर न्यूक्लियर सेंटर उपरे आक्रमण करबाको प्रस्तुत हेउछन्ति। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट रे कहा जाय छी जे ईरान रे न्यूक्लियर प्लांट रे अंडरग्राउंड एक्टिविटी को जोरदार करा जाय छी। ईरान नो ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट तले थिबा परमाणु सेंटर रे हलचल देखबा को मिलि छी। होई पारे ईरान तार परमाणु सेंटर को शिफ्ट करबा पई योजना कर थाई पारे। फर्दो प्लांट रो सैटेलाइट इमेज मध्य सामना को आसी छी जहां को नै आईएईए बा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दावी करी छी जे परिस्थिति 2015 रु बदली जाइछि। 2015 हेउछि सेही वर्ष जेतेबेले ईरान उपरे अमेरिका संपूर्ण प्रतिबंधक लगाइथिला। डिजिटल ग्लोबल ए संपर्कित इमेज जारी करिछि जेउथिरे स्पष्ट भाबरे देखा जाउछि जे अंडरग्राउंड फोटो प्लांट को जिबा पाइ दुईटी नुआ रास्ता निर्माण करा जाइछि टनेल 1 ओ टनेल 2। एई दुईटी टनेल समांतराल भाबे फर्दोर सिक्रेट गेट पाखरे खुलिथाए। इस सीक्रेट लैब रे ही परमाणु बोमा को नहीं रिसर्च चलछि। यह भी कहा जाउछि जे ईरान एथारे ही परमाणु बोमा तैयारी करुछि सेपरि माटी तले चलछि दिन राति काम। यह व्यतीत फर्दो बाहरे एक फैसिलिटी सेंटर तैयारी करा जाइछि जेउठी वैज्ञानिक गवेषक डाक्तरी दल और काम करुथवा श्रमिकक रहिबा पई व्यवस्था होइछि। यहस सेथिरे अनेक प्रकार उपकरण मध्य रखा जाइछि। आटमी एजेंसी जानी सारी जे ईरान परमाणु बोमा तैयारी करुछि सेथिपाई आईएईए अधिकारी को साइट को जीवा पाई रोकिबारे लागिछि ईरान। अमेरिका कथारे दम एति पई अछि कारण प्रतिबंधक सत्वे ईरान तार न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करी नाही। प्रतिबंधक लागिबार 9 वर्ष बीती सारी अमेरिका रे ओबामा ट्रंप को परे बाइडेन सरकार आसिला किंतु ईरान रो हाबो भाबरे आसिलानी कोनसी परिवर्तन बरंग तेहरान आहुरी उग्र हेबारे लागिछि। ईरान गाजा बर्बादीर प्रतिशोध इस्राएल ठारु नेबाकु चाहुछि
ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର ଖୋଲାଖୋଲି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ଠାରୁ ବଢୁଥିବା ବିପଦକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ସୀମା ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଖୋଦ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋଫ୍ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। Further escalation of this conflict doesn't just hurt Israel, doesn't just hurt Iran, doesn't just hurt the countries in the region, but that it harms every country in the world. Gazara jo bhayankar akraman hoichi ba gazara jo attack upare ame jodi alochana kariba tebe aji porjonto mrityu sankhya anek halani jo bhitare shishu roichanti vruddha roichanti mahila roichanti ebong sethare gote prakar khadya bhav dekha jaichi gaza patte binash hoichi destructive chitra ba dhongsa process sethire ebe madhya idf mananko dwara juddha jari roichi ebong ebe madhya amerika sethare jo weapons supply jari rakhichi koti koti tankar astra juddhastra se pate ଗାଜାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବା ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଇରାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଅଛି, ସିରିଆରେ ଥିବା ନିଜର ଦୂତାବାସ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉ କି ଆମେରିକା, ଇରାନ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରବରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମହାଯୁଦ୍ଧର ବିଗୁଲ ବାଜିସାରିଛି, ଯେଉଁଠି ଇରାନର ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ। ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ ସହ ମିଶି ଇରାନ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକଜୁଟ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ମହାସଂଗ୍ରାମର ବିଗୁଲ ବଜାଇବାର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଇରାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଇସ୍ରାଏଲ ଯେକୌଣସି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଏପରି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ମୋଡ଼ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ୍। ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ଇରାନ। ଏପରିକି କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବି ଇରାନ ପଛାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ମୁହାଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଇରାନ କରୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟଙ୍କର ମୁହାଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ। ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ କାୟା ମେଲାଉଛି। ଗାଜାପଟିକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯୁଦ୍ଧର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମାନିଥାଏ ଇରାନ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଇରାନର ନେତାମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଖତମ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଫାରସ ଖାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଇରାନ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠାରେ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛି ସାଉଦି ଆରବ, ଯିଏ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇରାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଛରେ ଥାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଇରାନର ନେତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ନିଜ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇରାନକୁ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସିରିଆରେ ଥିବା ଇରାନର ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ରାଗକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଏପରିକି କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପଛାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
जेकोसी मुहूर्त इस्राएल को टार्गेट कर ईरान शक्तिशाली क्षेपणास्त्र प्रयोग करने आशंका बढ़ुव आमेरिका और यार मित्र राष्ट्रगुड़िक चिंता बढ़ी यार मुकबिला इस्राएल प्रस्तुत रही मध्यप्राच्य युद्ध आशंका बलवत्तर रही। अन्यपटे इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को कहवा कथा इस्राएल जेकोसी परिस्थितर मुकबिला प्रस्तुत अच्छी राष्ट्रर सुरक्षा नहीं कौन सालिश करा स्पष्ट भाव कहते नेतान्याहू אמרתי שאנחנו בימים מאתגרים, אנחנו בעיצומה של המלחמה בעזה שנמשכת במלוא עוזה. במקביל אנחנו ממשיכים במאמצים שלא נפסקים כדי להחזיר את חטופינו, אבל אנחנו נערכים גם לתרחישים של אתגרים מזירות אחרות, ואנחנו קבענו עיקרון פשוט, מי שפוגע בנו אנחנו פוגעים בו. אנחנו נערכים לענות על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה, ואני ועם ישראל סומכים עליכם. שיהיה לנו כולנו בהצלחה גדולה. ସେପରି ଇରାନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତାରେ ସୁଧାର ଆଣିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ। תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. בחודשים האחרונים שיפרנו וקידמנו את יכולות ההתקפה שלנו ואנחנו נדע לפעול איכן שנדרש. בעזה יצאנו הלילה למבצע ממוקד במרכז הרצועה באזור מסדרון נצרים להשמדת תשתיות טרור ומחבלים ולהגביר את האחיזה שלנו במסדרון של נצרים אשר חוצה את הרצועה. המטרה של המבצע כמובן לגדוע את יכולות של חמאס להשתקם במרחב. איראן ישראל יודע הלא אותיונת ভয়ঙ্কর হব কারণ ইরান সমর্থনে রুশিয়া ও চীন ছড়া হইছবা বলে ইসরায়েল সপক্ষে অছন্তি আমেরিকা ও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুড়িক তেণু মধ্যপ্রাচ্যে ইরান কিছু করিবার প্রয়াস কলে তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হব। সেথিপাই নিয়ারে ঘিও ন ঠালিবাকু পরামর্শ দেইছি জার্মানি। ইয়া সহ ইরান প্রতিপক্ষক সহ মধ্যপ্রাচ্যকু নেই আলোচনা হইতিবা কইছন্তি জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রী। In diesen Tagen laufen alle diplomatischen Telefonleitungen heiß, um eine regionale Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Es darf jetzt niemand noch mehr Öl ins Feuer gießen. Wirklich niemand kann Interesse an einem Flächenbrand mit völlig unvorhersehbaren Folgen haben. Alle Akteure in der Region sind aufgefordert, verantwortlich zu handeln und Zurückhaltung zu üben. In diesem Sinne habe ich heute auch mit meinem iranischen Amtskollegen gesprochen. তেবে কাহা পল্লা ভারী রহব। প্রতিরক্ষা বজেটে ইরান ইসরায়েল ঠারু পছরে রয়েছে, মাত্র সক্রিয় সৈন্য সংখ্যায় ইরান ইসরায়েল ঠারু বহু আগরে রয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে ইসরায়েলর প্রতিরক্ষা বজেট 24.2 বিলিয়ন ডলার, কিন্তু ইরানর প্রতিরক্ষা বজেট হচ্ছে মাত্র 9.9 বিলিয়ন ডলার। বায়ুসেনা উপরে নজর পকাইলে ইসরায়েল পাখে 612 লড়ুয়া বিমান ও ইরান পাখে 512 বিমান রয়েছে, কিন্তু ট্যাঙ্ক তুলনায় ইরান ইসরায়েল ঠারু দুই গুড়া অধিক শক্তিশালী। ইসরায়েল পাখে 2200 ট্যাঙ্ক থাকলে ইরান পাখে অছি 4071টি ট্যাঙ্ক। সেপরি সমুদ্রের সৈন্য শক্তি তুলনায় মধ্য ইরান ইসরায়েল ঠারু অধিক শক্তিশালী। ইসরায়েল পাখে 67টি যুদ্ধ জাহাজ থাকলে ইরান পাখে অছি 101টি বড় যুদ্ধ জাহাজ। অন্যপটে ইসরায়েল পাখে 43,000 অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত গাড়ি থাকা বেড়ে ইরান পাখে অছি 65,000 যুদ্ধ গাড়ি। ইসরায়েল পাখে 1.73 লক্ষ সৈন্য থাকা বেড়ে ইরান পাখে অছি 5.75 লক্ষ সক্রিয় সৈনিক।
ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ଧରି ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଛି, ଆଉ ଏହା ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ତାହା ହେବ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାର ପରିଣାମ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सूचना देछि जे ईरान परमाणु बोमा तैयारी करबा पई गत 20 वर्ष रे बड़ प्रस्तुति करिछि, जेउथिरे पहाड़ भितरे अंडरग्राउंड सेंटर निर्माण करी ए दिगरे काम करा जाउछि। ईरान रो 6टी साइट उपरे नजर रखिछि अमेरिका, जेउथिरे प्रथमे अछि फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट, द्वितीय रे अछि नतांज न्यूक्लियर प्लांट, सेठारे यूरानियम माइनिंग करा जाउछि। एहा व्यतीत ईरान तैयारी करिछि इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर, सेहीपरि रुदान एवं बोनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर रो व्यवहार परमाणु अस्त्र संपर्कित रिसर्च पई भी करा जाउछि। ए सब काम लुचा छपारे होउछि, जहाँ अमेरिकार सैटेलाइट मध्य कैद करबा कष्टकर होइ पडुछि। पेंटागन रिपोर्ट रे खुलासा होइछि जे ईरान एक लंबा युद्धर प्रस्तुति करुछि, जेउथिरे परमाणु अस्त्र मध्य विकल्प भावे व्यवहार होइ पारे। सेपटे अमेरिका और इस्राएल पलटा आक्रमण पर प्रस्तुति करुछंती, किंतु ता पूर्वर निजर सैन्य अड्डार सुरक्षा बढ़ाई इस्राएल और अमेरिका। इस्राएल डिफेन्स सिस्टम आलर्ट रखी, सेपटे अमेरिका सैन्य अड्डार सैन्य संख्या ह्रास कर अलग स्थान को स्थानातर कर पछर कारण ईरान आईआरजीसी मुख्य समस्त ईरानीय प्रक्सी संगठन को तैयार रही। अंपटे इस्राएल समस्त मिसाइल फोर्स को स्पेशल आलर्ट्रे रखी। ईरान लगातार चाप पकाउछि, ईरान राष्ट्रपति आरब देशगुड़िक सह आलोचना करिछन्ति। इराक, साउदी आरब, कतार, यूएई, इजिप्ट आदि देश सह ईरान वैदेशिक मंत्री आलोचना करिछन्ति। ईरानर सरकारी न्यूज एजेंसी एरना मुताबक ईरान भय करुछि जे जदि आक्रमण करा जाए तबे इस्राएल मिसाइल और ड्रोन जोगे प्रति आक्रमण करिब। ईरान आक्रमण करिबा निश्चित हेले इस्राएल प्री एंट्री अटैक करिपारे, सेथिपई तेहरान रे एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड रे अछि। जटिल परिस्थिति को नजर रखी इस्राएल जरूरी आलोचना करी समस्त को अलर्ट करिछि। अन्यपटे अमेरिका मध्य निजर समस्त सेना को सजाग रखिछि, अर्थात अमेरिका इशारा देछि जे वाशिंगटन युद्ध करबा को प्रस्तुत अछि। अन्यपटे अमेरिका आशंका करुछि जे ईरान लुचिछेपी परमाणु बोमा तैयारी करुछि, सेथिपई एक सिक्रेट लैब मध्य ईरान तैयारी करितिबा अमेरिका संदेह करुछि। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी रिपोर्ट रु खुलासा होइछि जे ईरान अंडरग्राउंड परमाणु अड्डा निर्माण करिछि। एक सैटेलाइट इमेज मध्य जारी करा जाइछि, जेउथिरे माटी तले बड़ सुडंगरे ईरान रो आणविक लैब थिबा दाबी करा जाउछि। सेहिपरि सैटेलाइट रे ईरान रो गुप्त ठिकाना देखा जाउछि, एथिरे दुईटी ईस्टर्न गेट ओ गोटी वेस्टर्न गेट मध्य रहिछि। या व्यतीत सुडंग पाखरे दुईटी सिक्युरिटी पोस्ट मध्य निर्माण करा जाइछि। अमेरिका बारंबार दाबी करी आसुछि जे ईरान परमाणु अस्त्र तैयारी करुछि। आईएईए बा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तथ्य देछि जे ईरान आणविक अस्त्र तैयारी करबा पई गत 20 वर्षरे बड़ धरणर प्रस्तुति करिछि। ईरान रो 6टी साइट उपरे रहिछि अमेरिकार नजर, फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट और नतांजु न्यूक्लियर प्लांट रे यूरेनियम माइनिंग करा जाइछि। सेहिपरि न्यूक्लियर ईंधन उपरे नजर रखिबाकु इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर निर्माण करा जाइछि। रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर एवं बोनाम एटॉमिक रिसर्च सेंटर रो व्यवहार परमाणु अस्त्र उपरे रिसर्च पई करा जाइछि। यहा सो न्यूक्लियर प्रोग्राम उपरे नजर रखिबा पई ईरान निर्माण करिछि शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ए सबु अति गुप्त भाबरे ऑपरेट करा जाउछि, तेनु ए सबु उपरे नजर रखिथिबारु अमेरिका ईरान विरोध रे कोनोसी बड़ एक्शन नेउ नाही। अमेरिका संदेह करुछि जे ईरान 2015 आणविक चुक्तिर अवमानना करी परमाणु अस्त्र तैयारी करुछि। वर्तमान 9टी देश निकटरे 13,000 अधिक परमाणु बोमा रहिछि। परमाणु अस्त्रशस्त्र संपन्न देश मध्ये अछन्ति रुषिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्राएल और उत्तर कोरिया।
एसपीआरआई एक रिपोर्ट अनुसाई ईरान जदि न्यूक्लियर मान्यता पाईना तथापि ताकि परमाणु अस्त्र नहीं चर्चा हुए ईरान को आणविक शक्ति क्षेत्र में प्रतबंधक लगाई यहाँ सत्वे इंटरनेशनल आटोमिक एनर्जी एजेन्सी मुख्य राफेल प्रसी दे बड़ बयान खूब शीघ्र ईरान यूरेनियम शक्ति संपन्न देश होगा से कही अरब कंट्री मानक गोटे प्रभाव पकड़ा ईरान गोटे समस्त डोमिनेशन लेवल को आने जो भित्री भाव में गुप्त भाव में परमाणु अस्त्र तैयारी करुच्ची यार सत्यता आगामी दिन में प्रकाश पाइब कारण अमेरिका बहुत दिन यह सन्देह करूला जे ईरान परमाणु कंट्री बा न्यूक्लियर कंट्री भाव में डिक्लार ना से गुप्त भाव में यहपरी अस्त्र तैयारी करुच्ची जहाँकि विश्वपाई गोटे प्रकार भयंकर कथा हम विश्वपाई गोटे विपदर संकेत देखादेव ईरान कारण 1945 रे जिते बड़े अमेरिका अटैक करी जापान पर लास्ट परमाणु अस्त्र ता परठारु आज पर्यंत आउ परमाणु अस्त्र कोठी भी प्रयोग करा जाय नाही जोति पई मिलित जातिसंघ मध्ये विरोध करी ईरान सही समय को अपेक्षा करी छी जे समय आसीबा मात्रे निजर आणविक शक्ति विषय रे सारा विश्व को अवगत करिवो तेरे 1945 शेष थर पर प्रयोग होता परमाणु बोमा द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान न्यूक्लियर आटाक कर अमेरिका दुई दुईट परमाणु बोमा आक्रमण में 230,000 लोकों जीवन जाता हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर आटाक सह शेष होता द्वितीय विश्वयुद्ध एवं कौन देश परमाणु अस्त्र प्रयोग करूना एवं कौन देश परमाणु अस्त्र प्रयोग चाहूना किंतु जदि आवश्यक पड़े तेज यह अस्त्र प्रयोग करने को पचघुंचा देवे ना आज जदि ईरान मध्य प्राच्यरे किसी भी हरकत करिबार प्रयास करे तबे अमेरिका निश्चित भावे यार कड़ा जवाब देबो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति परमाणु बोमारे होइथिला जापान रो हिरोशिमा एवं नागासाकी रो घा एजाए सुखिनी एबे दुनिया आउ एक परमाणु युद्धर तयारी करूछि आउ हेया जदि हुए तबे पूर्वापेक्षा अनेक गुणा भयंकर हेबो एथरर परिणाम समय सरी आज स्पेशल रिपोर्ट को ये रखुचु नमस्कार।